में थोड़ी घबराहट सी होती है हाँ। फिर उसके बाद बहुत मजा आने लगता है। अच्छा, पैराग्लाइडिंग बिल्कुल, पैराग्लाइडिंग की बात करें, शादी की बात नहीं कर रहा हूं। ये गाइस एप्पल्स की चोरी करते हुए गुड़िया हमारी, ओहो मिल गया। तो गाइस हमारा चेकआउट हो गया है होटल से, हैं हम अभी पार्किंग में होटल के ही, और पीछे देखिए मेरे विनय अपने सेकंड लव को चमका रहे हैं जैसे मैं विनय को चमकाती हूँ, है ना विनय? तो गाइज हम अपने होटल से निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं कहाँ पे? डोबी। डोबी फॉर एक्टिविटीज, पैराग्लाइडिंग। हाँ तो गाइज मैंने तो बहुत बार ये पैराग्लाइडिंग करी हुई है, दो बार ऑलमोस्ट करी हुई है, इन लोगों ने नहीं करी हुई है। तो हाँ, तो किसको किसको करनी है पैराग्लाइडिंग? ओके, तो गाइज अभी हम जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग करने और उसके बाद फिर होपफुली हम डोबी क्यों जा रहे हैं तो बता दो। हाँ डोबी क्यों जा रहे हैं? डोबी ही क्यों, सोलांग में भी तो होती है पैराग्लाइडिंग। इसलिए हाँ, क्योंकि डोबी में मनाली की सबसे हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग होती है वहाँ से। हाँ व्यू जबरदस्त आता है और सबसे ज्यादा देर तक के लिए पैराग्लाइडिंग होती है। ऑलमोस्ट प्राइस तो सेम ही होता है, प्राइस में भी ऑल्दो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। सोलांग वैली की छोटी होती है पैराग्लाइडिंग और डोबी वाली बड़ी होती है। हेलो गाइज वेलकम बैक। सो अभी है हम डोबी में और हमें एट लास्ट पैराग्लाइडिंग का एक स्पॉट मिल गया है और इन भैया के रेट भी सही लगे हमें। तो अभी बस हम यहाँ पर फॉर्म वगैरह फिलअप करने के लिए रुके हैं। आपको पता ही होगा कि जिन लोगों ने पैराग्लाइडिंग कर रखी है पहले, मैं उन लोगों को तो पता होगा, और जिन्होंने नहीं करी है उनको मैं बता देती हूँ। पैराग्लाइडिंग से पहले एक कंसेंट फॉर्म साइन होता है कि इन केस अगर कुछ भी एक्सीडेंट होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, इनकी नहीं होगी। तो ये सारे फॉर्म वगैरह साइन कर रहे हैं अभी और मैं आपको स्पॉट दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है काउंटर नंबर 2 जहाँ पर हम आए हैं फॉर पैराग्लाइडिंग की बुकिंग के लिए। ये देखिए, बॉर्न टू फ्लाई है यहाँ का ये नाम है। तो गाइज हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे इनका नंबर, जहाँ से आप लोग भी अगर कभी फ्यूचर में आते हैं तो पैराग्लाइडिंग करने के लिए आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनके प्राइसेस काफ़ी रीजनेबल हैं और भैया से नेगोशिएट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि भैया ने पहले ही काफ़ी ज़्यादा कम करके प्राइसेस बताए हुए थे। जो भी ये लोग प्राइसेस देते हैं उसमें सिर्फ पैराग्लाइडिंग का कॉस्ट होता है। जो भी आपको अगर पैराग्लाइडिंग के टाइम पे वीडियो वगैरह बनवानी है उसके लिए आपको पायलट से ही बात करनी पड़ती है। मोस्टली आई थिंक पैराग्लाइडिंग का जो चार्जेस वेरी करते हैं वो 1500 टू 3500 के बीच में वेरी करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कब कर रहे हैं, इन सीजन कर रहे हैं या ऑफ सीजन कर रहे हैं, और डिपेंडिंग अपॉन योर मतलब जो भी ये बार्गेन स्किल्स कि आप कितना बार्गेन कर सकते हैं इनसे, नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ये होता है यहाँ पे। और प्लस जो हमने लास्ट टाइम भी एक्सपीरियंस किया था कि जब पैराग्लाइडिंग के टाइम पे आप लैंड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कई सारे लोग DSLR लेकर के खड़े होते हैं और आपकी अच्छी अच्छी पिक्स क्लिक करते हैं वो, और उसके भी अलग चार्जेस होते हैं, उसके भी चार्जेस सेपरेटली होते हैं। तो फिलहाल अभी पैराग्लाइडिंग के लिए हम इनके इनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो अगर आप करना चाहें तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनसे। इस पैराग्लाइडिंग करने वाले तो ये देखिए निकल रहे हैं, ये जो साइड में अभी व्हाइट कलर की गाड़ी निकली है और हम जा रहे हैं लैंडिंग पॉइंट पे। तो बस लैंडिंग पॉइंट पे चल करके हम वेट करेंगे इन लोगों का कि ये लोग कितनी जल्दी नीचे आते हैं। और हमारे पास है रुकी हुई, कौन है हमारे पास? पार्वी, पार्वी हमारी प्यारी बच्ची। ये पार्वी हमारे पास है। पार्वी हाय कह दो। हाय पार्वी, बोलो हाय। हाय। और गाइस बस अब हम पहुंचते हैं लैंडिंग पॉइंट पे और वहाँ थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे अपना, कुछ ना कुछ देखते हैं टाइम पास करने के लिए क्या मिलता है हमें। फूड है ना, बड़ा मस्त मैगी मिलती है। अच्छा, और यहाँ इनके लैंडिंग के दो पॉइंट्स है ना, एक छोटा लैंडिंग पॉइंट है जहाँ तक गाड़ी जाती है और फिर बड़ा लैंडिंग पॉइंट है, रिवर क्रॉस करके जाना पड़ेगा। अच्छा, तो चलिए गाइस आपको पैराग्लाइडिंग स्पॉट तो नहीं, हम दिखाते हैं लैंडिंग पॉइंट। तो गाइस हम आ गए हैं रिवर साइड और मैं आपको रिवर दिखा देती हूँ पहले, फिर दिखाऊंगी यहाँ पे जो पैराग्लाइडिंग के मतलब करने के बाद लैंड कर रहे हैं लोग वो भी दिख रहे हैं, तो वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए रिवर फ्लो बहुत अच्छा है। इस रिवर को क्रॉस करके गया वो लड़का? वो ओके, और वो देखिए ऊपर पैराग्लाइडिंग हो रही है।
ये देखिए, और ये देखिए लैंड कर रहे हैं। गाइज गुड़िया और पवन जो हैं वो लैंड कर चुके हैं और हम अपनी गाड़ी के पास जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि वो हमारी गाड़ी के पास ही आएंगे। क्यों? और पार्वी देखो इसकी मस्ती नहीं रुकी है लड़की। क्या कर रहा है बे? ओए क्या कर रहा है? हेलो 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 गाइज। तो अभी ये लोग पैराग्लाइडिंग करके आ गए हैं। इनका तो फर्स्ट टाइम था तो इनसे तो एक्सपीरियंस पूछना बनता है। तो भाई बताओ कैसा रहा तुम लोगों का एक्सपीरियंस? बिंदास 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 मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करूं। हाँ कैसा लगा? शुरू में थोड़ी घबराहट सी होती है। हाँ फिर उसके बाद बहुत मजा आने लगता है। अच्छा पैराग्लाइडिंग? बिल्कुल। पैराग्लाइडिंग की बात करें, शादी की बात नहीं कर रहा। शादी में शुरू शुरू में घबराहट होती है, बाद में सब सही लगता है। मुझे कुछ घबराहट नहीं, मुझे मजा आ रहा था। अच्छा चलो बढ़िया तो बहुत आया। तो कैसा रहा, मतलब जब इतनी हाइट पे जब पहुंच जाते कैसा लगता है? हम शायद 7,000 फीट ऊपर थे। हाँ, हाँ, बताया। मन कर रहा था ना वहीं के वहीं रहे, लैंड ही ना करवाया वो। ओहो चलो सही है, बढ़िया है। तो अभी विनय हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं फिलहाल होटल, क्योंकि अब बच चुके हैं 3:15 बज चुके हैं। हाँ और अपने अपने सेकंड होटल का अभी तक चेक इन भी नहीं किया। ओके हाँ तो अभी होटल जाएंगे और शाम के टाइम माल रोड के आसपास निकलेंगे। हाँ फिलहाल होटल में चल के थोड़ा रेस्ट करते हैं। ठीक है और बाकी कल का कल देखेंगे। ओके गाइस चलिए फिर हम लोग मिलते हैं आपको अपने सेकंड होटल की चेक इन के टाइम पे, और वहाँ का हम आपको व्यू दिखाएंगे ना तो आपको मजा आएगा। क्योंकि वो वाली होटल में हम पहले भी रुक चुके हैं तो हम रिपीट कर रहे हैं। वो बेस्ट व्यू है मनाली का उस होटल से। हाँ बट हम फेब में इन सीजन रुके थे, अभी देखते हैं क्या व्यू मिलता है मॉनसून में। ऑल्दो ग्रीन माउंटेन्स तो कहीं मतलब हर जगह ही मिल रहे हैं, बट देखते हैं हमेशा सुंदर लगते हैं। हेलो गाइस तो अभी हम डोबी से पैराग्लाइडिंग करके अपने सेकेंड होटल की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में अभी आज ही एक फ्रेश एकदम लैंडस्लाइड हुई है और मैं आपको दिखाती हूँ कितने बड़े बड़े पत्थर एकदम रास्ते में गिर गए हैं और मतलब उसकी वजह से बहुत। ये देखिए कुछ गाड़ियां रुकी हुई हैं और ये देखिए यहाँ पे अभी पुलिस वाले भी खड़े हैं, वो ट्रैफिक भी क्लियर करवा रहे हैं। और ये देखिए ऊपर जेसीबी भी है। यहाँ तक देखो कितने पत्थर आए हैं। हाँ पूरे रोड पे पत्थर आ गए। हेलो गाइज वेलकम बैक। तो हमने चेक इन कर लिया है अपने सेकेंड रिजॉर्ट में जिसका नाम है विवान द सनराइज रिजॉर्ट, और गुड़िया मुंह बना के बैठी हुई है। गुड़िया क्या हो गया? क्या हो गया? आप जो पहले वाले होटल लेके गए थे उससे ये वाला बहुत ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे। किस चीज के लिए होगा? किस चीज के लिए? व्यू। हाँ और वैसे भी इसका इंटीरियर भी इतना ब्यूटीफुल है यार, इतना अट्रैक्टिव है सब कुछ। हाँ गाइज तो मैं आपको दिखाती हूँ जो ये इतना ज्यादा मुंह उतार के बैठी हुई है उसका रीजन इज ये देखिए, ये है व्यू, ये है हमारा बालकनी व्यू और जहां से कि आपको एकदम लश ग्रीन माउंटेन्स दिख रहे हैं और ये देखिए नीचे पूरा एप्पल फार्म है जिसमें कि एप्पल्स बिल्कुल बहुत अच्छे से लदे हुए हैं। ये देखिए ग्रीन एप्पल्स रेड एप्पल्स सारे दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ इधर वैली के नीचे है पूरा का पूरा मनाली सिटी, रिवर का भी व्यू आ रहा है और कंप्लीट मनाली सिटी दिख रहा है। तो गाइज हम अभी क्योंकि शाम हो गई है और हम टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना चाहते थे तो हम जो इनका एप्पल गार्डन है हम बस वहां पर थोड़ा सा घूमने जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ एप्पल्स कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए बिल्कुल नीचे हैं एप्पल्स
और यहाँ पर रेड और ग्रीन दोनों ही तरह के एप्पल्स हैं। तो चलिए चलते हैं फार्म में अंदर लेकर के आपको। ये देखिए पूरे सेब लदे हुए हैं इस पे, और ये देखिए जा रहे हैं हम लोग। हम लोग इनके एप्पल फार्म में जा रहे थे और हमें स्टेयर्स पे एक सांप दिखा ब्लैक कलर का, तो हम वापस भाग गए। और तो कैसा रहा? अरे मैं डर गई, डर के मारे मेरी आवाज ही नहीं निकली, मैं सीधा भाग गई बस। तो गाइस हमने फिर डिसाइड किया कि फार्म के अंदर अभी नहीं जा रहे क्योंकि अंधेरा होने वाला है, शाम हो रही है अभी, और पता चले कि हाँ कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हम चाहते नहीं। हमें अभी एक दिन और रुकना है यहाँ पे और घूमना भी है, तो हमने सोचा हम रोड पे ही थोड़ा घूमते क्योंकि रोड के साइड साइड में भी बहुत ज्यादा एप्पल्स एप्पल ट्रीज हैं जिनमें एप्पल्स बहुत भर भर के लगे हुए हैं, तो वही दिखा देते हैं आपको आज। ये गाइज एप्पल्स की चोरी करते हुए गुड़िया हमारी। ओहो मिल गया, क्या बात है, तुम तो एकदम फुल तैयारी से आए हो मतलब चोरी करने के। कहाँ, यहाँ से? नहीं नहीं भाई, नीचे नहीं उतरना है। पहले अभी मैं सांप से बच के आई हूँ। हाँ और तुमको एडवेंचर करना है। पकड़ो। ओहो कोई कुछ बोलेगा नहीं, देखेगा करना। पकड़ो जल्दी, कहाँ दौड़ो। रेडी रहो, इसमें तो पत्ते कम है और ये देखिए गाइस इसमें तो पत्ते कम है और सेब ज्यादा है। ये देखिए